तो डंका बज चुका है और आने वाले वक्त में 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी बीजेपी का यही कहना है कि उस वक्त भी बीजेपी महाजीत हासिल करेगी और डंका उस वक्त ही बचेगा। कल हुए उत्तर प्रदेश के सत्ता के सेमीफाइनल में जब बीजेपी को जीत मिली उसके बाद सीएम योगी ने किस तरीके से तमाम अधिकारियों को तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी, सुनिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और यह परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज की इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से जीत पर प्रतिक्रियाएं दी, सुनिए। 75 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव ने, और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर सीट जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूँ। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण जीत मिली। यही एक चुनाव नहीं, मैं स्नातक शिक्षक भी जीता, MLC के भी चुनाव जीते, जितने उपचुनाव हुए वो जीते, आज पंचायत भी हम लोग जीते हैं, आगे 2022 का भी चुनाव हम सब जीतेंगे कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद से। अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। सभी अध्यक्ष पद के विजयी हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो अब अध्यक्ष बन गए हैं जिला पंचायत के, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी अपने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। तो डंके बच रहे हैं, ढोल नगाड़े बच रहे हैं, तमाम बधाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ कर दी कि आखिर किस तरीके से प्रदेश में एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी ने हासिल कर दी है। डिस्कशन के वापस से रुक करते हैं और सूर्या मैथिल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब आपने जीत दर्ज की उसके बाद अब जब से इस चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब वो अपनी पैठ को मजबूत करने में लगी हुई हैं, खास तौर पर छोटे राजनीतिक दलों को जोड़ने में लगी हुई हैं। ऐसे में सवाल मेरा आपसे यहां पर ये है सूर्या जी, कि आपके लिए आने वाले वक्त में क्या सच में कोई चुनौती है या फिर अभी भी आपके पास जो भी छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा करने में, उनको जोड़ने में अभी भी आपकी मेहनत लगातार जारी है? जो प्रश्न उठाया छोटे दलों का, मैं समझ रहा हूं किस प्रकार आपका, किस तरफ आपका इशारा है जी। मैं एक छोटा सा दोहा है कबीर जी का, पानी से पानी मिले, मिले किससे की, और ज्ञानी से ज्ञान मिले, और मिले नीच से
तो जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अयोध्या जी के अंदर गलियों को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, वहां पर हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, और मुसलमानों ने काटा और मारा, उसके बाद भी अखिलेश सरकार ने उस समय में कहा था कि हम लोग केवल और केवल मुआवजा जो है वो मुसलमानों को देंगे। जब मामला गया हाईकोर्ट में तो उसके बाद वहां से लताड़ पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने बोला कि हम सबको देंगे। किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है ये सबको पता है। इनके नेता किस प्रकार से उमेश पहलवान ने झूठी वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने की कोशिश करी, आज उनपे ऐसे लग रहा है। अब मैं आ जाता हूँ आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो मिलके आए थे अभी संजय सिंह जी, बिल्कुल ये भी रामद्रोही हैं। इन्होंने भी राम मंदिर निर्माण के ऊपर किस प्रकार से आक्षेप लगाया ये जनता ने देखा है, और दिल्ली के अंदर मौजपुर के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या इनके निगम पार्षद और विधायकों ने की है ये जग जाहिर है। किस प्रकार से ताहिर हुसैन के अपने स्कूल के ऊपर एसिड इकट्ठा करके किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर एसिड अटैक किया गया, बम फेंके गए, ये सबको पता है। किस प्रकार का दंगा प्रायोजित था उसकी जांच चल रही है, जेल में बंद हैं ये लोग। तो ये लोग सारे के सारे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, और ये सब लोग एक हो रहे हैं। हम तो आह्वान करते हैं उन सभी हमारे मित्र दलों का जो भगवान श्री राम के श्री चरणों में अपनी आस्था रखते हैं, राष्ट्रवादी बात करते हैं, उन सबका स्वागत है। हम सबका साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन भगवान श्री राम का द्रोही भारतीय जनता पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और रही बात जहां तक आम आदमी पार्टी का, मेरे मित्र बोल रहे थे 50,000 से 1 करोड़ रुपया पंचायत सदस्य को देने की, तो कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि में खोट होता है उसको हर तरफ खोटी खोट दिखाई देता है। देखिए वही चीज आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र यहाँ कह रहे हैं। अरे सुन लो ना, अरे सुन लो, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाई के अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ विधायकों पर पैसे आकाश जी मैं आऊंगा मौका दूंगा आपको सूरज जी को बोलने के लिए आऊंगा मैं आपको। जो तीन सीटें प्रभु राम के नाम, जो तीन सीटें राज्यसभा के अंदर इन्हों को मिली थी, उनमें से 2 सीटों पे इन्होंने केवल उद्योगपतियों को भेजा, उससे कितने पैसे लिए, उससे 100 से 150 करोड़ रुपया इन्होंने एक एक संसदीय सीट का लिया। तो ये लोग तो सीटें बेचने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है सूर्य जी, ठीक है सूर्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर कि राम द्रोही है, किस तरीके से दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हाथ था। तमाम आरोप जो है आपने लगा दिए, आप इन तमाम सवालों के जवाब भी आकाश जी से आप सुन तो लीजिए आकाश जी, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। आकाश जी सुन तो लीजिए ठीक है जी। हाँ ठीक है, अभी जिला पंचायत के चुनाव में गाजीपुर के 2 OIC के जिला पंचायत सदस्यों ने उनको वोट दिया। चोर चोर मौसेरे भाई सब एक हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष, आप पता करिएगा, मैं ढंके की चोट पे आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, जिस तरह टाइम्स के मैगजीन पेज कवर पर इन लोगों ने खबर झूठी है, सूर्य जी आकाश जी देखिए, एक डिबेट की गरिमा होती है, उस गरिमा को प्लीज मेंटेन करें। ठीक है सूर्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। आकाश जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर, देखिए आपने तमाम आरोप लगा दिए, जवाब सवाल होते रहेंगे, लेकिन अभी सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं,
कांग्रेस का वो हाल हो चुका है आप, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, ना वो तो वो 3 में है ना तो वो 13 में है, लेकिन आपकी तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि हम तमाम राज्यों में आप चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल मेरा आपसे यहां पर ये है कि अभी फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों को देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए, तो अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप अपने आप को कहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत स्पष्ट और बहुत साफ सुथरी तरीके से कहना चाहता हूँ। ठीक है, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के प्रचार प्रसार और इनका हजारों करोड़ से आईटी सेल जो चल रहा है वो ये व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर झूठ परोसते हैं। अभी ट्विटर ने जब इनकी बातों को लिख दिया, आकाश जी सवालों का जवाब दें आप। मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ, उसी से मेरी बात लिंक है, आप कृपया करके सुनने का ट्राई करें। ठीक है, जिस तरह टाइम्स मैगजीन पर पैसा देके एड छपवाया गया आपको पता होगा, मैं डंके की चोट पे आपके चैनल पर कहता हूँ WHO ने कोई तारीफ नहीं करी है, झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया गया है। और अगर मुझे आप ये जो भाजपा के सब बैठे हुए हैं जो झूठ बोल रहे हैं कहिए मेरे पर ठीक है। सूर्या जी देखिए, आकाश जी देखिए, समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। मैं चाहूंगा जो मैं सवाल पूछा है उसके जवाब आप दीजिए, समय की बहुत कमी है। मेरे साथ शौकत अली जी भी हैं, मनोज जी हैं, सुनिए ठीक है। एक कर आप अपना पक्ष रखिए, चलिए ठीक है। आवाज कम करें। ठीक है। आकाश जी, सूर्या जी, ठीक है। मनोज जी आपके पास आ जाऊंगा मैं। मनोज जी देखिए, आप जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसका क्या रोल है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो खासतौर पर जितने भी पार्टी हैं वो छोटे दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, राजनीति में छोटा दल कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? सचिन जी, बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकारें रिपीट नहीं होती हैं, ऐसा लगातार पिछले कम से कम 7-8 या 89 बाद हम लोगों ने देखा है। छोटे दलों का ये कह सकते हैं या जातिगत जो गठबंधन लगातार, चाहे वो राजभर की बात कर ले, निषाद की बात कर ले, IM की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, जितने भी लोग हैं इनके साथ क्या है कि क्षेत्रीय दल, पूर्वांचल की अलग स्थिति, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति, बुंदेलखंड की अलग स्थिति है, और अवध प्रांत जो लखनऊ या बाकी एरिया, इसलिए सभी पार्टियां जो सत्ता में है वो भी, जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो भी, एक सीट और एक वोट 2022 में नहीं गंवाना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा कि 2002 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव बहुत 2022 का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा ही नहीं करती है, पिछले 4.5 सालों में अधिकतम चुनाव लगातार प्रदेश की सारी विंग की जीतती आ रही। और देखिए 2012 में, 2017 में अखिलेश आए, फिर 2007 से मायावती रही, फिर उसके पहले मुलायम सिंह रहे, लेकिन रिपीट नहीं हुए। तो रिपीट करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अन्य राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, या राजस्थान या कोई और भी राज्य हो, तो उत्तर प्रदेश में सरकार का पुनः चुनना बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। इसलिए विपक्ष ये चाहता है कि वो घेराबंदी करे एक एक सीटों पर, एक एक क्षेत्रों को लेकर के, और पक्ष चाहता है कि उस घेराबंदी को हम तोड़ करके लोगों को अपने साथ जोड़े। और इसी जोड़ तोड़ की राजनीति में एक भी दल, मैं बार बार कहूंगा आपको, सच्ची दल और जाति वो बहुत मायने रखती हैं और इन्हीं पर चुनाव होगा। अभी आज की स्थिति में तो साफ शब्दों में कहें कि भाई 75 में 67 अगर भारतीय जनता पार्टी जिला जीते हैं अध्यक्ष, तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनका असर इसलिए होगा क्योंकि क्षेत्र में के जो प्रतिनिधि हैं, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, ये मंडल स्तरों के साथ साथ 8-8, 9-9, 15-15 सीटें हैं विधायकों की, तो वो विधायक कहीं ना कहीं इनके कार्यों से, इनके मदद से ग्राम प्रधान स्तर तक। तो इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन गांव से ले चुनौती होगी और कि ये सरकार रिपीट ना हो। और सरकार के लिए भी कारण ये है कि उत्तर आधा लोकसभा सांसद चुनके दिल्ली जाते हैं। तो जिक्र कर दिया कहीं ना कहीं मायावती का, और वजह से भी यहाँ पर देखी गई है। लली जी, मैं पूछूं, इससे पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं, मायावती ने के कड़वे अनुभवों और इसके भुक्तभोगी होने के लिए प्रमुख पार्टी से किराए। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, हमारा संपर्क गया है, लेकिन वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि डिबेट अब एक ऐसी मोड़ पे आ गई जहां पर उनका जवाब। आप अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, आपने मेरा सवाल सुना, आपके पक्ष में थी, आज वो स्वार्थी या संकीर्ण है, तो आखिर आने वाले वक्त में कहने के चुनाव,
देखिए उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है लेकिन मांगेगी क्या किया हमारे लिए, आज पूरा पक्ष मनाने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपने के दम पे मुन्ने के दम पे सीटों पे कब्जा घूम रहे, इसके बारे में क्या राय है आपकी, उसके बारे में आपने जो उत्तर प्रदेश की जनता जो है स्वाद जता रही उसके बारे में क्या क्या कर रहे हैं आप। चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह जूझ रही, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अपराध की बात हो, तमाम चीजों से जूझ रही। और इसी का उदाहरण था मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे तब इनके 10-10 सदस्य हारे हैं तो जनता की नाराजगी साफ दिखी कि जिस तरह ये लोग ग्राउंड पे गए और जब वोट मांगने का काम किया तो जिला पंचायत के सदस्यों को हराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने का काम किया जनता ने उत्तर प्रदेश की। इसमें जब ये जाएंगे फिर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनकी गलत नीतियों से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है सूर्य जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। तो मैं तो बता देता हूँ कि इन्हीं के पार्टी के जो बाहुबली एक थे नेताजी मुख्तार अंसारी जी, रोपड़ की जेल में बंद थे, जैसे ही वो उत्तर प्रदेश आए उनके अंदर 20 बीमारियां थी वो खत्म हो गई, गंगा माँ का पानी पिया और योगी जी के आशीर्वाद से वो व्हील चेयर से खड़े होके बांदा जेल खुद गए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि मेडिकल की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, तो जब WHO पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूपी मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और अर्थव्यवस्था की बात जो कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था की बात जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश का जो बजट था वो 150,000 करोड़ था, आज के समय में वो बजट 5.5 लाख करोड़ है, प्रदेश की GDP उस समय में 10 लाख करोड़ थी, इस समय में 32 लाख करोड़ है। और रोजगार के आंकड़ों की बता देता हूँ मैं आपको कि 2017 से पहले प्रदेश के अंदर भयंकर रोजगार की समस्या थी, CMII की रिपोर्ट में बताया गया था कि 17 पॉइंट रोजगार के लिए बेरोजगारी दर थी, इस समय में वही बेरोजगारी दर जो कोरोना काल के बाद 6.9% है। पूरे देश के अंदर स्वरोजगार के लिए चलिए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्य मैथिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शौकत अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और देखिए इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर सत्ता पर काबिज होना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जनता को साधने की कोशिश करनी है तो आपको जरूरी है कि मूलभूत सुविधाओं पर आपको जोर देना है और अलग गलत तरीके से बयानबाजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। हालांकि आने वाले वक्त में 22 का चुनाव कौन जीतने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक।